हे गाइस, सारी कुर्ती जो है वो वांसी ब्रांड से है। एक ही मुझे रिसीव हुई है, उसका अलग ब्रांड है। पता नहीं, मैंने ऑर्डर तो कुर्ती है, जो भी लाइट कुर्तीज है उनमें से है वो पिंक इन कलर में है। पिंक कलर टाइम तो मिलता नहीं है, लेकिन जब भी मुझे रेस्ट के लिए टाइम मिलता है तब मैं मेरा वीडियो शूट कर लेती हूँ। वेयर के लिए थोड़ा लूज साइज अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने एमसी अंडर 300 रुपीज में आपको इतनी अच्छी कुर्तियाँ मिल रही है, तो आप क्यों ना इसे ट्राई करो। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने मुझे कहा था कि आप अमेजोन कुर्ती हॉल पे सारे अमेजोन के जो भी मेरे फेवरेट कुर्तीज है अंडर 300 रुपीज, अमेजोन पे कुछ ऐसी कुर्तीज मुझे पसंद आई पर्सनली। Hey guys, welcome back to my channel Nick Styles and I am Nikita. So, आज का जो वीडियो है वो मेरी बहुत सारी सब्सक्राइबर्स की रिक्वायरमेंट थी। बहुत सारी सब्सक्राइबर्स ने मुझे कहा था कि आप अमेज़ॉन कुर्ती हॉल पे एक वीडियो बनाइए, तो इसलिए मैंने आज का एक वीडियो आपके लिए बनाया है। तो इसमें मैंने सारे अमेज़ॉन के जो भी मेरे फेवरेट कुर्तीज़ है अंडर 300 रुपीज़, क्योंकि कुछ लेडीज़ है जिनको कम पैसे में शॉपिंग करना अच्छा लगता है, कुछ जो है वो ब्रांडेड चीज़ें लेती है। लेकिन मेरी जो सब्सक्राइबर्स थी उन्होंने मुझे कहा था कि अंडर 300 रुपीज़ में आपको जो अच्छी कुर्तीज़ लगती है अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पे, तो आप प्लीज़ हमारे साथ वीडियो के थ्रू शेयर कीजिए। तो मैंने सोचा कि फ़्लिपकार्ट का बाद में बनाएंगे, लेकिन अमेज़ॉन पे कुछ ऐसी कुर्तीज़ मुझे पसंद आई पर्सनली, उन कुर्तियों पे मैं आज आपको रिव्यू दूंगी। और वो आप कहाँ पे यूज़ कर सकते हो, कैसे यूज़ कर सकते हो, किस टाइप से यूज़ कर सकते हो, वो मैं आज के वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखना बिल्कुल मत भूलना, और जो भी कुर्तीज़ मैं आपको दिखाऊंगी उनके सब कुर्तीज़ के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू आप चेकआउट कर सकते हो और परचेस कर सकते हो उस लिंक के थ्रू। ये जो कुर्तीज़ है वो अंडर 300 रुपीज़ है और मुझे मिली थी 265 रुपीज़ में, और कुछ दो तीन कुर्तीज़ ऐसी भी है जो मुझे 275 रुपीज़ में मिली थी। अगर आप सेल में या ऑफ़र में बाय करते हो तो आपको 250 तक भी मिल सकती हैं। तो ये जो कुर्तीज़ है वो आप डेली वेयर के लिए यूज़ कर सकती हो। डेली वेयर के लिए ये कुर्तीज़ बहुत ही अच्छी कुर्तीज़ है, बहुत ही लाइट वेट है, और आप इसे बहुत हार्डली वॉश करते हो फिर भी इसका कोई कलर भी नहीं निकलेगा। और जो भी कोई प्रिंट है, ये प्रिंट जो है वो मटेरियल में है, वो ऊपर से नहीं किया है, तो इसीलिए आपका जो कुर्ती का मटेरियल और प्रिंट है वो भी गारंटीड है। और मैंने खुद ने इसमें से दो कुर्तियाँ निकाली है यूज़ के लिए, तो वो भी बहुत अच्छी है। मैं उसे 2 वीक्स से यूज़ कर रही हूँ, तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। वॉश करने के बाद भी कोई डैमेज नहीं है, बहुत अच्छी कुर्ती है डेली वेयर के लिए, ऑफिस वेयर के लिए। अगर आप कुछ लाइट वेट चाहते हो जिसे वॉश करने में कोई दिक्कत ना आए, तो आप ये कुर्ती बेझिझक बाय कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहली कुर्ती जो है वो है ब्लैक कलर में, और उसे वाइट कलर का प्रिंट किया गया है। ये मैंने यूज़ कर ली है, दो कुर्ती जो है वो मैंने इन कुर्तियों में से दो कुर्तीज़ डेली वेयर के लिए निकाली है, और बाकी के जो कुर्तीज़ है वो मैं रिटर्न कर दूंगी। मैंने सिर्फ एज़ अ रिव्यू पर्पज़ उन्हें ऑर्डर किया था। तो आप देख सकते हो वाइट कलर की प्रिंट दी है, बहुत अच्छी डिज़ाइन भी है, और डेली वेयर के लिए ब्लैक कलर तो बहुत ही अच्छा है। तो इसीलिए मैंने कुछ जो कुर्तीज़ है वो लाइट कलर में ली है, जो आप ऑफिस वेयर के लिए भी यूज़ कर सकते हो, और डेली वेयर के लिए मैंने डार्क कलर्स चूज़ किए थे। तो आप देख सकते हो इसका जो पूरा डिज़ाइन है, पूरे कुर्ती में आपको डिज़ाइन आएगा। मटेरियल जो है वो क्रेप का है, आप देख सकते हो बहुत शाइनी मटेरियल है। इस मटेरियल को आप कैसे भी वॉश करो कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है आप लोगों को। और स्लीव जो है वो 3/4 है, बहुत अच्छे लगेंगे अगर आप इसे डेली वेयर के लिए यूज़ करते हो। आप इसे ब्लैक लेगिंग्स के साथ भी यूज़ कर सकते हो, चाहो तो आप इसे वाइट लेगिंग्स के साथ, ट्राउज़र्स के साथ, प्लाजो के साथ भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट जो कुर्ता है वो ब्लू इन कलर में है, मैंने साइड में वीडियो लगा दिया है, आप साइड में जो वीडियोस है वो देख लेना। इसे टैग लगा है क्योंकि ये मैं यूज़ नहीं करने वाली, इनको मैं रिटर्न कर दूंगी, ये सिर्फ मैंने रिव्यू पर्पज़ के लिए लिए थे। तो आप देख सकते हो इसे वाइट और रेड कलर का प्रिंट है, प्रिंट ऊपर से नहीं है, मटेरियल में है, इसीलिए ये लॉन्ग लास्ट करेगी, डिज़ाइन निकलने का कोई भी चांस नहीं है। आप देख सकते हो
स्लिट के साइड में भी आपको प्रिंट दिया गया हुआ है और बहुत अच्छी क्वालिटी का मटेरियल है। डेली यूज़ के लिए तो बहुत परफेक्ट है। और ये नीचे की साइड में आएगा, साइड में वीडियो चल रहा है, आप देख सकते हो वेयर करने के बाद ये कुर्ती कैसे लगेगी। तो ये है ओवरऑल कुर्ती, नेक पे इतना डिज़ाइन आएगा। और ये है ब्रांड वामसी की तरफ से, ये वामसी जो ब्रांड है वो अमेज़ॉन पे बहुत अच्छा ब्रांड है। इसके बहुत सारी कुर्ती जो है वो बेस्ट सेलर है, आप देख सकते हो। कुर्ती के नीचे आपको रिव्यूज़ भी मिल जाएगी कि इस कुर्ती को कितना रेटिंग है, इसके कैसे रिव्यूज़ है। और बहुत सारे कस्टमर उनके पिक्स भी अपलोड करते हैं, उनको जो मटेरियल जो कुर्ती रिसीव हुआ है उसे वेयर करके भी उनके पिक्स वो अटैच करते हैं, तो आप ज़रूर देखना। तो इस टाइप से इसका प्रिंट है, ये है क्रेप का मटेरियल, सब कुर्ती जो है वो क्रेप मटेरियल में आएंगी और सब की स्लीव जो है वो 3/4 ही आएगी। तो ये था मेरा सेकेंड कुर्ता। थर्ड जो कुर्ता है वो अगेन ब्रांड वामसी की तरफ से है, जो भी सारी कुर्ती जो है वो वामसी ब्रांड से है। एक ही मुझे रिसीव हुए है, उसका अलग ब्रांड है, पता नहीं, मैंने ऑर्डर तो वामसी का ही किया था लेकिन मुझे दूसरे ब्रांड में उन्होंने सेम डिज़ाइन दिया है। तो मैंने सेलर से कहा कि मुझे वामसी ब्रांड से चाहिए था, तो उन्होंने कहा सेम ही आएगा, सिर्फ ब्रांड का नेम चेंज है। तो इतना उधर इधर उधर हो सकता है, उसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये कुर्ती है वो फुल प्रिंट में आएगा, इस टाइप का प्रिंट उसके स्लीव्स पे भी आएगा, सिर्फ बैक साइड जो है वो प्लेन आएगा। ये भी क्रेप मटेरियल में है, इसके भी स्लीव्स हैं वो 3/4 ही है। और रेड कलर का प्रिंट ब्लैक पे बहुत अच्छा लगता है, तो ये भी डेली वेयर के लिए बहुत अच्छी कुर्ती है। फुल कुर्ती पे इस टाइप का प्रिंट आएगा, आप देख सकते हो, साइड में वीडियो के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा वेयर करने के बाद ये कुर्ती कैसे दिखती है। अब चलते हैं लाइट कुर्तियों के पास। तो लाइट कुर्तियाँ जो है वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी है, लेकिन मैं सब रख नहीं सकती क्योंकि उतना मुझे कुर्तियों में इंटरेस्ट नहीं है। सो सिर्फ मैंने दो ही कुर्तियाँ ली थी, वो भी एज अ रिव्यू पर्पज़ मैंने निकाली है कि आपको आफ्टर वॉश में उनका रिव्यू दे पाऊँ। तो ये है सेकेंड कुर्ती, इसका प्रिंट मुझे बहुत अच्छा लगा है और ये मेरी फेवरेट कुर्ती है जो भी लाइट कुर्तीज़ है उनमें से। तो आप देख सकते हो इसका प्रिंट बहुत अच्छा प्रिंट है और बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है, आप इसे इजीली वॉश कर सकते हो, कोई भी आपको कलर जाने का चांस नहीं है। और इस कुर्ती के स्लीव्स में आपको ये बॉर्डर भी आएगा, जो फ्रंट में डिज़ाइन है उसका ही बॉर्डर आएगा। बहुत अच्छी क्वालिटी की कुर्ती है, बहुत अच्छा मटेरियल भी आता है और बहुत सॉफ्ट मटेरियल है, इसीलिए आप इसे इजीली डेली वेयर पे यूज़ कर सकते हो। ऑफिस वेयर के लिए तो लाइट कुर्तीज बहुत अच्छी लगती है, तो आप इसे ऑफिस वेयर के लिए भी यूज़ कर सकते हो। बैक साइड जो है वो प्लेन है, वीडियो में आप देख सकते हो। नेक्स्ट जो कुर्ती है वो पिंक इन कलर में है, पिंक कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है इसीलिए, तो ये लाइट पिंक कलर है। वामसी जो ब्रांड है उस ब्रांड में भी ये कुर्ती अवेलेबल है, लेकिन मुझे रिसीव हुई है वो अहिका ब्रांड से। मेरी सारी कुर्ती जो है वो एम साइज़ में है, क्योंकि मुझे डेली वेयर के लिए थोड़ा लूज साइज़ अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने एम साइज़ यूज़ ली है। 36-38 एम साइज़ में आ जाता है, एस साइज़ मैंने पहले लिया था लेकिन वो मुझे बहुत ही टाइट आया, इसीलिए मैंने एम साइज़ में कुर्तीज़ बाय की है। तो आप देख सकते हो बहुत अच्छा मटेरियल है, बहुत शियर नहीं है, लाइट कलर भी इसमें बहुत अच्छे लगते हैं। आप इसे वाइट लेगिंग्स और वाइट चुन्नी के साथ भी इसे पेयर कर सकते हो, बहुत अच्छा इसका लुक आएगा। ये जो मैंने आपको वामसी ब्रांड से ब्लैक कुर्ती दिखाई, सेम उसी डिज़ाइन में ये पिंक कलर है। बहुत सारे कलर ऑप्शंस भी आपको अवेलेबल है अमेज़ॉन पे, और कुछ जो कुर्तीज़ है वो बेस्ट सेलर कुर्तीज़ है, इसीलिए मुझे इनका ही रिव्यू आप लोगों को देना था। और इनकी स्पेशलिटी ये है कि अंडर 300 रुपीज़ में आपको इतनी अच्छी कुर्तियाँ मिल रही है, तो आप क्यों ना इसे ट्राई करो। तो आप एक कुर्ती लेकर ट्राई कर सकते हो, आफ्टर उसके यूज़ के बाद आप सेकेंड कुर्ती भी ले सकते हो, क्योंकि ये आपको डेफिनेटली बहुत पसंद आने वाली है। सेकेंड कुर्ती जो है वो लाइट ब्लू कलर में है, तो ये ऑफिस वेयर के लिए बहुत अच्छे है, इसलिए मैंने ये 3 कलर ऑप्शंस आपको बताए हैं। इनके डिज़ाइन भी मुझे अच्छे लगे थे, तो इसीलिए फुल प्रिंटेड नहीं है, सिर्फ आपको फ्रंट साइड में प्रिंट आएगा, जो मटेरियल में है इनबिल्ट, आपको ऊपर से कोई प्रिंट निकलने का चांस नहीं है।
तो आप देख सकते हो डार्क ब्लू कलर में इसका प्रिंट है। तो आप इसे डार्क ब्लू कलर की लेगिंग्स के साथ भी यूज़ कर सकते हो या आप इसे वाइट लेगिंग्स के साथ भी यूज़ कर सकते हो। मैंने आपको दिखाया है वीडियो में वाइट लेगिंग्स के साथ। इसका भी मटेरियल जो है वो क्रेप है और प्रिंट भी बहुत अच्छा है। तो आप डेफिनेटली इन कुर्तियों को बाय कर सकते हो, बहुत अच्छी कुर्तीज़ है। और लास्ट जो कुर्ती है वो है जो मैंने वेयर की है, ये मेरा फेवरेट कलर है तो इसीलिए मैंने इसी पे ही वीडियो शूट किया है। आप देख सकते हो बहुत अच्छी कुर्ती है, मटेरियल भी इसका बहुत ही अच्छा है, शाइनी मटेरियल है और स्लीव्स भी बहुत लॉन्ग भी नहीं है, बहुत शॉर्ट भी नहीं है, कंफर्टेबल है आपको डेली वेयर के लिए। तो इसे भी आप वाइट चुन्नी के साथ पेयर कर सकते हो या आप वाइट प्लाजो ट्राउज़र्स के साथ भी इसे वेयर कर सकते हो, बहुत अच्छा लुक आएगा इसका। ये भी कुर्ती बहुत अच्छी है, इसको भी नेक में डिज़ाइन है और पूरे लेंथ में इसको डिज़ाइन दिया गया है। बहुत अच्छी क्वालिटी का कुर्ती का मटेरियल है। आपको डेली वेयर के लिए बहुत ध्यान देना होता है कुर्ती के मटेरियल पे, तो डेली वेयर के लिए बहुत ही परफेक्ट कुर्ती है। आप डेफिनेटली इन कुर्तियों को बाय कर सकते हो। और कुछ जो कुर्तीज़ है वो बेस्ट सेलर कुर्तीज़ है, उनके रिव्यूज़ आप देख सकते हो, लिंक के थ्रू आप इन्हें परचेस कर सकते हो। चाहो तो आपके अमेज़ॉन ऐप में जाकर वामसी कुर्तीज़ टाइप करके सर्च कर सकते हो, तो ये सारी कुर्तीज़ आपको उस सर्च में दिख जाएगी। बहुत अच्छी क्वालिटी की कुर्ती है, डेफिनेटली आप इसे ज़रूर एक बार खरीदिए। और मेरी सब्सक्राइबर की डिमांड थी इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। अगर आपको ऐसी ही कुर्तीज़ का हॉल वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइए कि आप इसी तरीके के कुर्ती के हॉल बनाइए। फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अमेज़ॉन, आपको जिस वेबसाइट से कुर्तीज़ या आपको फुटवेयर हो जो भी आपको चाहिए उन पे रिव्यू मैं आपको दे सकती हूँ, तो कमेंट सेक्शन में जाकर देना बिल्कुल मत भूलिए। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है आपको, क्योंकि मुझे वीडियो बनाने में बहुत बहुत टाइम लगता है, 3 घंटे अप्रॉक्स मुझे मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में। वीडियो शूट करने को तो मैं सिर्फ हाफ आवर या 1 आवर में कर लेती हूँ, लेकिन एडिटिंग के लिए मुझे बहुत टाइम लगता है। और बहुत सारे सब्सक्राइबर ने मुझे क्वेश्चन किया है कि आपको इतना टाइम कैसे मिलता है वीडियो शूट करने के लिए। तो देखिए, टाइम तो मिलता नहीं है, लेकिन जब भी मुझे रेस्ट के लिए टाइम मिलता है तब मैं मेरा वीडियो शूट कर लेती हूँ। और वीडियो मैं अब सिर्फ संडे को ही शूट करती हूँ, क्योंकि मुझे अदर डेज में टाइम बिल्कुल नहीं होता है। संडे को मैं वीडियो शूट करती हूँ और उसे संडे नाइट में ही मैं एडिट करती हूँ, एंड देन पूरे वीक में मैं 2 वीडियोज़ अपलोड करती हूँ। और मेरे वीकली सिर्फ 2 ही वीडियोज़ आएंगे, क्योंकि अब मुझे उतना टाइम नहीं मिलता है। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं डेली वीडियोज़ आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। तो प्लीज़ थोड़ा वेट करिए थोड़े दिन के लिए, उसके बाद मैं आपके साथ डेली वीडियो शेयर करूंगी। और बहुत सारे वीडियो लाइनअप है, तो प्लीज़ कीप इन टच। और आगे के जो वीडियो आने वाले हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल मत भूलिए। और मेरे सारे वीडियो आप देखते रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के साइड में सब्सक्राइब के साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी हिट कर दें, ताकि आने वाले हर एक वीडियो से आप नोटिफाइड रहे। और जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले, इसलिए। सो तब तक के लिए, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।